तो कैसे आप लोग लोग तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रियल क्रिकेट 24 गेम की न्यू अपडेट के बारे में। जी दोस्तों, रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर एक और न्यू अपडेट आ चुका, बट दोस्तों ये प्ले स्टोर वाला अपडेट नहीं है, OTO के थ्रू एक और न्यू अपडेट हम लोगों को जो है इन गेम के अंदर देखने मिल चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जस्ट रिव्यू करने वाले कि OTO वाले अपडेट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स मिले और क्या कुछ आप लोगों को चेंज मिला। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लेना। तो दोस्तों सबसे पहले भाई OTO का एक अपडेट आ चुका है, यहाँ पर जर्सी वगैरह भी न्यू मिल चुका है। जी दोस्तों, बट आपको पूरी टीम्स की जर्सी न्यू नहीं मिली है, जस्ट आप लोग जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पिछले अपडेट के अंदर चेंज हुई थी, बट दोस्तों जैसे आप लोग इंग्लैंड वाली जर्सी के अंदर आओगे तो यहाँ पर T20 वाली जर्सी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर ODI वाली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इंग्लैंड की न्यू ODI वाली जर्सी जो है देखने के लिए मिल चुकी है। एंड दोस्तों भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के अंदर आप लोग देख सकते हैं ऊपर इंग्लैंड लिखा हुआ है, बट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रियल क्रिकेट लिखा हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलिया वाला ही सीन हो चुका है कि आप सब लोग जानते हो, पिछले अपडेट के अंदर मैंने आप सब लोग को बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ नोटिस वगैरह आ चुका है ना कि कॉपीराइट वाला इशू हो चुका है, तो यहाँ पर कंपनी ने SS का नाम चेंज किया था और उसके साथ में यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की जर्सी वगैरह भी चेंज की थी। बट दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ इंग्लैंड की यानी कि जर्सी जो है चेंज की गई, और दोस्तों वहाँ पर स्टेडियम के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी चेंज हुआ, जस्ट आप लोग जानते भाई OTO वाला अपडेट है तो यहाँ पर जस्ट गेम प्ले में भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो जस्ट भाई जर्सी वगैरह का अपडेट और स्क्वाड वगैरह का अपडेट आ सकता है हम लोग को। तो भाई एक छोटा सा जस्ट एक OTO अपडेट है जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फेस वगैरह, तो भाई जो फेस वाले हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुरानी मतलब जो यहाँ पर रियल लाइसेंस वाला अपडेट आता है उसके अंदर हमें ये रियल फेस मिल चुके हैं। बाकी तो फेस 2 का अपडेट आने वाला है उसके अंदर और भी न्यू रियल फेसेस वगैरह ऐड होने वाले हैं। बट दोस्तों फिलहाल OTO अपडेट की बात की जाए, दोस्तों इस अपडेट के अंदर ज़्यादा कुछ हम लोग को चेंज वगैरह देखने नहीं मिले, जस्ट एक OTO अपडेट आया, जैसे आप लोग गेम को ओपन करोगे तो भाई ऑटोमेटिकली यहाँ पर जर्सी वाला पैक जो है डाउनलोड हो जाएगा, आपकी जो इंग्लैंड वाली ODI वाली जो न्यू जर्सी चेंज हुई है वो भाई आपको ऑटोमेटिकली गेम के अंदर ऐड हो जाएगी, जैसे आप लोग गेम को ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ODI वाली न्यू जर्सी इंग्लैंड की ऐड हो चुकी है, और इसके अलावा आपको अदर्स टीम के अंदर यानी कि और भी कुछ अदर्स टीम है उन्हें के अंदर आपको जर्सी चेंज देखने नहीं मिले, सिर्फ आपको इंग्लैंड वाली ही जर्सी चेंज देखने मिली है सिर्फ ये OTO अपडेट। और दोस्तों मुझे लग रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीन हुआ था यानी कि कॉपीराइट वगैरह का, तो भाई ये सेम सीन इंग्लैंड के साथ भी हुआ, आई थिंक इंग्लैंड वगैरह की जो ऑफिशियल बोर्ड है उन्होंने भी आई थिंक चेंज वगैरह मतलब कि देख लिया कि रियल क्रिकेट के अंदर ऐसा कुछ रियल वगैरह चीज़ें देखने मिले, तो इसी वजह से भाई हमें जो ODI की इंग्लैंड की न्यू जर्सी देखने मिल चुकी है, इसके साथ भाई जो इंग्लैंड का न्यू लोगो वगैरह है वो भी यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिल चुका है। एंड दोस्तों बाकी आप लोगों ने OTO अपडेट किया कि नहीं ये जरूर से कमेंट में बता दें, और दोस्तों बाकी मुझे जो OTO अपडेट में सिर्फ यही फीचर्स मिले कि इंग्लैंड की न्यू जर्सी आई है ODI वाली, एंड इसके साथ में भाई लोग जो है इंग्लैंड का लोगो वगैरह भी चेंज किया है। तो बाकी दोस्तों आप लोग को जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें और आपको क्या कुछ जो उस OTO अपडेट के अंदर चेंज मिला। बाकी दोस्तों जो इंग्लैंड के फेसेस हैं जो रियल फेसेस हैं वो तो आप लोग जानते हैं भाई पुराने वाले फेस हैं, यानी कि जो फेस 1 का अपडेट आया था उसी के अंदर हम लोग को काफ़ी सारे रियल फेसेस के मतलब फीचर्स वगैरह यानी कि आप लोग के साथ काफ़ी सारे फेसेस वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिल चुके थे। बट दोस्तों जो OTO वाला अपडेट आया इसके अंदर हमें कोई भी न्यू फेसेस वगैरह देखने नहीं मिले, और जैसे आप लोग जानते हो फेस 2 का अपडेट हमें दिसंबर के मंथ में देखने मिलने वाला, तो उसी के अंदर आप लोग को काफ़ी सारे न्यू फेसेस वगैरह देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट था, OTO का अपडेट आ चुका, होपफुली कि भाई आप सब लोगों ने अपडेट कर लिया होगा, जस्ट ODI का मतलब कि इंग्लैंड का ODI का जर्सी चेंज हुआ तो वो भी दोस्तों इसी वजह से हुआ है कि कॉपीराइट का कुछ कंपनी को नोटिस वगैरह आया होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का आया था पिछले अपडेट जो दिया था प्ले स्टोर वाला, तो सेम सीन भाई इंग्लैंड का इंग्लैंड की तरफ से भी हुआ है, जस्ट यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से आई थिंक कुछ नोटलेस मॉल को नोटिस वगैरह जो कुछ भी आया होगा, बस क्लियर नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की जर्सी वगैरह जो कुछ आपको जो है कुछ रियलिस्टिक मिलती थी तो यहाँ पर इंग्लैंड की ODI जर्सी भी चेंज कर दी। और दोस्तों हो सकता है कि अपकमिंग अपडेट के अंदर हो सकता है भाई जो भी अदर क्रिकेट बोर्ड्स हैं यानी कि जो भी ऑफिशियल लाइसेंस है कंपनी के पास जो जर्सी वगैरह कंपनी आप लोग को रियल देती है तो उनके अंदर भी आपको चेंज वगैरह देखने के लिए मिल जाए। बट दोस्तों जो OTO का अपडेट है उसके अंदर आपको सिर्फ इंग्लैंड की ODI जर्सी चेंज हुई है, इसके अलावा आपको कुछ भी न्यू फीचर्स देखने मिले, इसके अलावा आपको कोई भी न्यू फीचर्स देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों ये OTO अपडेट है, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं, जस्ट आप लोग जर्सी वगैरह चेंज कर सकते हैं नॉटलेस मॉल बारे, और इसके साथ में वहाँ पर जो है स्क्वाड वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारे स्क्वाड में तो ऑलरेडी हमें मतलब स्क्वाड अपडेट मिल जाती है तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई OTO अपडेट आप लोगों ने किया या फिर नहीं, और इसके साथ में ये भी बताना
भाई आपको और क्या कुछ आप लोगों को न्यू फीचर देखने मिले या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो तो बस इतना ही, मिलते हैं कंट्रेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, गुड बाय, सन वंदे मातरम।